हाय तो गाइस, आज जो मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, इसलिए वीडियोस को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा गाइस। गाइस, जब से मॉक नारंग आया है अपनी ट्रिप से तब से लेके अभी तक मॉक नारंग जो है नितेश पासवान से नहीं मिला है, ना ही स्टोरीज में नजर आया है, ना ही कोई वीडियोस में नजर आया है। गाइस, इन दोनों के ना मिलने का रीजन क्या है मैं इस वीडियोस में आपको बताऊंगी गाइस। एंड गाइस, सुरभि राठौर का कुछ दिन पहले बर्थडे आया था एंड बर्थडे पे नितेश पासवान ने सुरभि राठौर को बर्थडे विश नहीं किया था। इस बात का सुरभि राठौर को काफी बुरा लगा था कि नितेश पासवान ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। इस बात को लेकर नितेश एंड सुरभि राठौर में कुछ बहस भी हुई थी। यहाँ तक गाइस, सुरभि राठौर एंड नितेश पासवान ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम में अनफॉलो भी कर दिया। इसलिए गाइस, मोहक नारंग को काफी बुरा लगा कि नितेश पासवान ने जो किया सुरभि राठौर के साथ वो अच्छा नहीं किया। इसलिए गाइस, मोहक नारंग ने सुरभि राठौर के सपोर्ट खींच के नितेश को बोला कि तुमने सुरभि राठौर को अनफॉलो क्यों किया, क्योंकि तुम्हारी गलती थी, जबकि सुरभि राठौर ने तुम्हें बर्थडे विश किया था तो तुम्हें भी बर्थडे विश सुरभि राठौर को करना चाहिए था, और उसके बाद में तुम लोग जो कर रहे हो एक दूसरे को अनफॉलो वो और भी गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम दोनों को पता है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो और वैसे भी सोशल मीडिया पे जरा जरा सी बातें बड़ी बन जाती, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे को अनफॉलो नहीं करना चाहिए था इंस्टाग्राम पे। पर्सनल बातें जो होती है उनको पर्सनल ही रखना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं आने देना चाहिए। नितेश को बुरा लगा कि मोहक नारंग जो है सुरभि राठौर को सपोर्ट कर रहा है एंड मुझे गलत बता रहा है, जबकि सुरभि राठौर की गलती है। लेकिन गाइस, हम सबको पता है कि सुरभि राठौर की गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं नितेश पासवान की ही गलती थी कि नितेश ने सुरभि राठौर को बर्थडे विश नहीं किया था। और गाइस, इस बात से सुरभि राठौर को काफी अच्छा लगा कि सुरभि राठौर को लगा कि मोहक नारंग जो है मुझे सपोर्ट कर रहा है। इसलिए आप लोग देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से सुरभि राठौर काफी खुश नजर आ रही है। यहाँ तक गाइस, सुरभि राठौर ने एक पेंडल भी खरीदा था नजर ना लगने वाला। सुरभि राठौर ने बोला है कि अब नजर नहीं लगेगी हमें। गाइस, इसका मतलब है कि मोहक एंड सुरभि जो है वापस आने वाले हैं बहुत ही जल्द। नितेश मोहक से सिर्फ नाराज है, अलग नहीं हुए हैं गाइस। हो सकता है कि आजकल में बहुत जल्द वापस नितेश एंड मोहक नारंग वापस एक साथ में दिखाई देंगे, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि मोहक एंड सुरभि जो है वो भी नितेश की वजह से वापस मिल सकते हैं। इन दोनों की नजदीकियां जो है बढ़ चुकी है गाइस। तो गाइस, अब ऐसा नहीं है कि मोहक एंड सुरभि के मिलने के कोई चांस नहीं है। गाइस, मैं कहती हूँ कि मोहक एंड सुरभि जो है बहुत जल्द एक साथ में दिखाई देंगे। कुछ लोग तो बिलीव कर चुके हैं कि मोहक एंड सुरभि का ब्रेकअप हो चुका है, अब वो कभी वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन गाइस, जो बातें नजर आ रही हैं उन बातों से यही लगता है कि मोहक एंड सुरभि जो है बहुत जल्द एक साथ में आने वाले हैं गाइस। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मोहक एंड सुरभि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली।